हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सोनल। टेस्टी तड़का विद सोनल में आपका स्वागत है। तो आज मैंने सैंडविच बनाया है, और सैंडविच भी ऐसा जो देखने के साथ इसको मुंह में पानी आ जाएगा और बनाने का हर किसी का मन करेगा। देखो, 3 लेयर वाला सैंडविच है और इसको देखने के साथ आपका बनाने का मन करेगा। तो चलिए बनाते हैं सैंडविच। एक बाउल लिए और उसमें 2 चम्मच मेयोनीज लिए और इसमें 2 चम्मच ही केचप डाल लेंगे। और आधी चम्मच इसमें मिर्च का पाउडर डाल लेंगे। ये मैंने देंगी मिर्ची ली है, आप नॉर्मल डालो तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलो इसको साइड में रख देते हैं। चलो एक और बाउल लेंगे, अब उसमें 1 बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और 1 ही बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डालेंगे और 1 टमाटर डालेंगे बारीक कटा हुआ, और इसमें 1 गाजर डाली है मैंने, वो भी काट लिए बारीक, और थोड़ी सी पनीर डालेंगे और 1 चम्मच पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डालेंगे और आधी चम्मच नमक डाला है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और ये ओरिगेनो डालेंगे, थोड़े से, थोड़ा ही डालना है बिल्कुल। और ये चीज़ डाली है, मोजरेला चीज़ डाली है। ये बस थोड़ा थोड़ा डालना है सारी चीज़ें, ज़्यादा एक साथ नहीं डालनी, क्योंकि हमें 3 इसकी बाउल तैयार करके रखनी है। 3 लेयर बनानी है ना सैंडविच की, तो इसलिए हमें 3 लेयर के लिए ही तैयारी करनी है। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और साइड में रख देते हैं। अब एक और बाउल लेंगे, इसमें मैंने 1 प्याज काटी है बारीक कटी हुई और 1 ही शिमला मिर्च डाली है और थोड़ा सा टमाटर डाला है, ये आधा टमाटर के अकॉर्डिंग है बस। और 1 गाजर डाली है इसमें, बारीक बारीक काट के डालेंगे सारी चीज़ें, और थोड़ी सी पनीर डाली है, चिल्ली फ्लेक्स डाल दिए थोड़े से, इसमें मैंने बहुत थोड़े डाले हैं चिल्ली फ्लेक्स, और थोड़ी सी मोजरेला चीज़ डाल देंगे और अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। देखो इसमें मैंने मिर्च भी नहीं डाली है और नमक भी नहीं डाला है। अब एक ब्रेड लेंगे, इस पर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाएंगे, और अगर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ना हो तो थोड़े सी केचप लेंगे, उसमें हल्का हल्का नमक मिर्च डालेंगे और वो लगा सकते हैं। तो देखो अच्छे से लगा दिया ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। अब इसमें जो बिना नमक मिर्च का था ना तैयार किया था हमने बेटर, उसको लगा देंगे इस पर। तो थोड़ा ज़्यादा सा रखेंगे, क्योंकि जितनी इसमें सब वेजिटेबल डलेंगी ना उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। देखो मैंने कितना सारा लगाया है, उसको अच्छे से फैलाते हुए इकसार कर दिया। अब ये डालिए हमने चीज़ क्यूब, थोड़ी ज़्यादा ही डाली है मैंने, चीज़ क्यूब डाल दी अच्छे से। अब एक ब्रेड लेंगे और इसको ढक देंगे। अब जो ये केचप का हमने बनाया था ना स्टार्टिंग में, म्यूनीज और केचप का है ना, वो लगा देंगे इस पर अच्छे से फैलाते हुए। कंजूसी किसी चीज़ में नहीं करनी, अच्छे से सारी चीज़ें लगानी है। और जो नमक मिर्च का हमने तैयार करा था ना सारी वेजिटेबल डालकर, हाँ मिक्सचर डाल देंगे इस पर और अच्छे से फैला लेंगे। तो देखो सारी चीज़ फैला ली हमने, और इस पर मैंने मोजरेला चीज़ डाली है। अब ये अच्छे से डाल दिए हमने मोजरेला चीज़। अब इसको एक ब्रेड लेके दोबारा से ढक देंगे थोड़ा टाइट हाथों से दबाते हुए। अब इसमें मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाई है अच्छे से लगा के, और इस पे मैंने चीज़ क्यूब्स डाली हैं, ये अच्छे से लगा देंगे चीज़ क्यूब्स, अच्छे से फैला दिए देखो। और अब इसको 10 मिनट के लिए माइक्रोवेव में बेक कर लेंगे। देखो बेक होने के बाद ऐसा दिखेगा, देखो मैं काट के दिखाती हूँ, देखो उठा के दिखाती हूँ कितना अच्छा हमारा बन के तैयार हुआ है ना ये, देखो वाओ कितनी अच्छी चीज़ खिचड़ी है।
तो देखो देखने के साथ मन कर रहा है ना बनाने का, तो बनाओ इसको और बच्चों को खिलाओ। तो देखो वाकई में बच्चे एक बार खाएंगे तो बार बार आपसे इसी को बनाने की मांग करेंगे। तो आप बनाओ इसको, बच्चों को खिलाओ, देखो कितना अच्छा टेस्ट आया। ओके बाय। अगर मेरी चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बाय।